हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी रियो समिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण देखिए पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं। 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी और इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का संकल्प लिया गया था। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा, याद रखिएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसकी स्थापना की गई थी। GEF की स्थापना जो है रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान की गई थी, ध्यान रखिएगा। और यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय जो तंत्र है, स्थलीय और जलीय, इन दोनों तंत्रों को जो है संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। GEF UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को भी अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। इन देशों को उनके नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन के तैयारी और क्रियान्वयन में सहायता करता है। 2001 में COP7 की बैठक मराकेश में आयोजित की गई और इस बैठक से प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की जो है स्थापना की गई। यह निधि जो है अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। उल्लेखनीय है कि यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े हुए हैं। तो GEF के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है? UNDP, UNEP और वर्ल्ड बैंक। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष नाओको इशी है। कौन है? नाओको इशी। GEF का संस्थागत ढांचा जो है आप देख सकते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से जो है यहां पे आपको पूरा फिगर जो है दिखाया गया है, आप इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए GEF का जो संस्थागत ढांचा है, गाइडेंस ऑपरेशन एक्शन, GEF काउंसिल कंट्रीज जो है काउंसिल मेंबर या कंट्रीज, ये जो है दो पार्ट है, GEF सेक्रेटरिएट और GEF ट्रस्टी, और इनसे जो है कुछ एजेंसियां जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, UNDP है, UNEP है, वर्ल्ड बैंक है, ये सारे जो एजेंसीज हैं इनको एक बार आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए जो यह GEF काउंसिल कंट्रीज हैं या काउंसिल मेंबर या कंट्रीज हैं, ये इंडिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस है, ठीक है, और साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी पैनल है। और GEF असेंबली में जो कन्वेंशन हैं CBD, UNFCCC और स्टॉकहोम, UNCCD, इस तरह से जो है इसको ध्यान रखिएगा। देखिए भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय और मरुस्थलीयकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, ठीक है, और पारा पर मिनी माता अभिसमय, याद रखिएगा ये सभी जो है इनके लिए जो है इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, CBD, UNFCCC, इसके बाद UNCCD और POPS, इसके बाद आपका है मिनी माता कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये सभी जो है इनके वित्तीय क्रियाविधि के लिए जो है क्या करता है, इसके लिए काम करता है, इंपॉर्टेंट है। और इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कौन सा था?
सही जवाब दीजिए। इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ही समय पहले डिस्कस किया है, कुछ ही सेकंड हुआ है। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। देखिए रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में संपन्न अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं शिखर सम्मेलन था। सेकंड नंबर है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका जवाब दीजिए। जवाब मालूम है तो कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब है यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है एजेंडा 21। एजेंडा 21 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। एजेंडा 21 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। देखिए ब्राजील की राजधानी जो है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक जो है कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, याद रखिएगा। एजेंडा 21 जो है क्या है, धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा। और यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर क्या करता है, बल देता है, ठीक है। और इसमें जो एक यहां पर आप देख सकते हैं जो कि एक डायग्राम के माध्यम से चीजों को समझाया गया है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में जो है 20वीं वर्षगांठ मनाया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो समझौता हुआ था वो एजेंडा 21, और इसकी समीक्षा जो है 5 वर्ष पे की जाती है। और जो 1997 में हुआ था वो था पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, और इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया है। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है, ठीक है। 21 एजेंडा को 4 भागों में यहाँ पे जो है बांटा गया है। विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण, पहला जो इसका भाग है वह विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण, इसको ध्यान रखिएगा। एजेंडा 21 का दूसरा जो महत्वपूर्ण जो पहलू है वह जैविक विविधता या जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल देना, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चारों पिलर जो है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 के जो प्रमुख भाग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसका चौथा भाग है वह सबको खाद्य, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो इन चारों भागों को याद रखिएगा एजेंडा 21 में जो निर्धारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास के दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको बताने हैं, इस पर विचार करिए। पहला कथन है यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा कथन है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए इन दोनों में से पहला जो कथन दिया गया बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था बताइए। तो इसका सही जवाब है कहां, रियो में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। और इसी के साथ यह सेशन जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में Rio+20 सम्मेलन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि प्रत्येक सेशन में हम लोग दो टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।